नमस्कार, संगीता अग्रवाल किचन पर आपका स्वागत है। आइए आज हम पिज्जा बर्गर बनाएंगे। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बर्गर बन लेंगे और इसे ऊपर से इस तरीके से काट लेंगे। हमने इसे इस तरीके से काटा है, इसके अंदर ये होल हो गया है। अब हम इसके अंदर पिज्जा सॉस लगाएंगे। अब हम इसके चारों तरफ इसमें पिज्जा सॉस लगाएंगे। अब हम इसके ऊपर से मेयोनीज डालेंगे। मेयोनीज हमें थोड़ी ज्यादा ही डालनी है। अब हम इसके अंदर एक चम्मच बारीक कटी शिमला मिर्च, एक चम्मच बारीक कटी प्याज, एक चम्मच बारीक कटा टमाटर। यहाँ पर हमने टमाटर के बीज निकाल दिए हैं। अब हम इसके ऊपर से फिर से मेयोनीज डालेंगे। अब हम इसके ऊपर से फिर से सब्जियां डालेंगे। अब हम इसके ऊपर से चीज डालेंगे। अब हम इसके ऊपर से हल्का सा नमक, हल्का सा काली मिर्च पाउडर, हल्की सी लाल मिर्च पाउडर और सबसे लास्ट में इसके ऊपर से ऑरिगैनो डालेंगे। अब हम इसे कुकर में बेक करेंगे। अब हम एक कुकर को गर्म करके उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। हमें नमक बहुत ज्यादा नहीं डालना है और नमक को चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे। और अब हम इसमें ये वाला स्टैंड रखेंगे और स्टैंड रखने के बाद अब हम इसमें एक प्लेट रख देंगे। प्लेट रखने के बाद अब हम इसके अंदर बन रखेंगे। अब हम कुकर का ढक्कन लगाएंगे। यहाँ पर हमने कुकर के ढक्कन की सीटी निकाल दी है। अब हम इसे 7 से 8 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख देंगे, जिससे कि हमारा चीज अच्छे से मेल्ट हो जाए। हमारे पिज्जा बर्गर को बेक होते हुए करीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और कुकर का ढक्कन हटाएंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी चीज कितने अच्छे से मेल्ट हुई है। अब हम इसे निकाल करके गर्मा गर्म सर्व करेंगे। लीजिए, हमारा चीजी पिज्जा बर्गर तैयार है। ये रेसिपी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।